आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी के चरणों में, जहाँ पर आज की प्रवचन माला और शांति धारा होगी। मैं आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी के वाणी से हमें उद्बोधित करें। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोलिए श्री काशनाथ भगवान की जय। बोलिए श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेदारं करं भूप्रदां ज्ञातारं विश्व तत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धे। एक बार गौतम स्वामी नई सभा में उपदेश दे रहे थे। जब उनका उपदेश समाप्त हुआ, तब उन्होंने कहा कि जागो, समय बीता जा रहा है। अब उनकी सभा समाप्त हो गई तो उन्होंने अपने मित्र से कहा कि चलो, अपने शिष्य से कहा कि चलो आनंद, तुम हम कहीं थोड़ा सा टहल के आते हैं। उसी समय सारे सभा के लोग बाहर निकल रहे थे, तो उन्होंने वो एक जगह खड़ा हो गए भीड़ देखकर। उसी भीड़ में से एक स्त्री आई और वो आके गौतम स्वामी से कहने लगी कि प्रभु, आपने मेरे को अच्छा याद दिलाया, क्योंकि मुझे तो एक जगह अपने किसी सेठ के यहाँ नृत्य करने के लिए जाना था और मैं भूल गई थी। आपने अच्छा करा, मुझे याद दिला दिया, अब इसलिए मैं वहां पर जाती हूँ। इतने में ही एक उस सभा में डाकू भी था, वह भी आया उनके पास और कहने लगा कि प्रभु, आपसे झूठ तो नहीं बोलूंगा, मैं एक डाकू हूँ और मुझे चोरी करने जाना था, लेकिन है कि मैं भूल गया था और अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिला दिया। अब मुझे अपनी योजना याद आ रही है और मैं उसको करने के लिए जा रहा हूँ। इस पर गौतम स्वामी ने कुछ नहीं कहा। इतने में ही एक वृद्ध व्यक्ति भीड़ में से निकलकर आया और बोला, प्रभु, अच्छा हुआ आपने हमें याद दिलाया, अब मेरी आयु भी बहुत थोड़ी रह गई है, मुझे आभास होने लगा है कि अब मृत्यु समीप ही आ रही है और मैं सदा भोगों में ही फंसा रहा, लेकिन मैंने अपने कल्याण करने की एक बार भी नहीं सोची। आपने प्रभु मुझे इस समय बहुत अच्छे से याद दिलाया और मैं अब सब कुछ त्याग करके आपके चरणों में आना चाहता हूँ। यही संसार की दशा है और संसार में यही सब कुछ हो रहा है। देखो, गुरुवर प्रवचन तो सबको एक जैसे ही देते हैं, लेकिन सब अपने अपने वृत्ति के अनुसार ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कोई समुद्र में जाता है और कोई तो उसमें से मोती निकालने की कोशिश करता है और कोई उसमें से मछली पकड़ने की कोशिश करता है और कोई उसके अंदर सिर्फ अपने पैर गीले ही करके आ जाता है। बस ऐसे ही हम लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान की मुक्ति करते हैं, कोई उनसे कुछ मांगता है, कोई उनसे कुछ मांगता है, सब अपनी बुद्धि अनुसार ही मांगते हैं। इसी से मैं गुरुवर के चरणों में अपनी भावना को प्रकट करना चाहती हूँ। कोई तो मांगे मंदिर जाके कुछ विषय भोगों को रे, कोई तो फेरे मंदिर जाके तीन रतन की माला रे, कोई तो चाहे गुरुवर के चरणों में आगे दिशा ले, इससे ही संसार घटे और दीक्षा सफल हो उसकी रे। जग है जिसको नहीं सुहाता, वो ही ऐसा करता है, भव सिंधु से पार है होता, सीतों के संग रहता है। जिनको दुख की चाह नहीं है, वो दुख से न घबराते हैं, वे सर्व सिद्धियां पाते हैं, सब गुरु यही समझाते हैं। जब भी मंदिर में जाओ, सब अपना आत्म को चाहो, प्रभु की शांत सलोनी मूरत तुम अपने में ही पाओ। यही भावना यही प्रार्थना मंदिर में सब मिल करना,
गुरु के चरणों में आकर के सब अपना तम हित करना। जग में नहीं कोई है किसी का आचार यही बतलाते हैं। झूठे हैं सब रिश्ते नाते यही हमें उलझाते हैं। यदि तुम इनसे हटना चाहो और नहीं कुछ करना है, मोह की ग्रंथि तोड़ते जाओ यदि भव सागर से तरना है। जितने भी भव से पार हुए यही रास्ता अपनाया है, आगे भी जो पार है होंगे इसी रास्ते से आएंगे। जल्दी जल्दी चल लो इस पर, समय तो बीता जाता है। समय गया वापस ना आए आगम यही समझाता है। समय गया वापस ना आए आगम यही समझाता है। दोस्तों जो इतना भी समय हमारे पास है अब हम उसे सही मार्ग में लगाए और अपना कल्याण करें इसी भावना के साथ आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की। बोले श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोले आदिनाथ भगवान की जय। जय श्री प्रजापति शांतिनाथ भगवान की जय। सतनक्ति महावीर भगवान की जय। बुंदेलखंड के श्री परम पूज्य आचार्य सिद्धांत शंकर जी महाराज की जय। बाजू वासुदेव जी महाराज की जय। जैन धर्म की जय। अभी अभी हम सभी योगमती माता जी को सुन रहे थे। विष्णु बंधु हमारे जैन धर्म को अपने जैन धर्म को बचाने के लिए समय समय पर कवियों की लेखनी का उद्गम हुआ और वह सागर बनकर के हम तक पहुंच रहा। अभी कल्ली माता जी ने ये बहुत सुंदर मेरी भावना लिखी और हम सभी तक पहुंचाई। विष्णु बंधु यह सब तपस्या का फल है माता जी की चंद छोटी सी अल्प दीक्षा में और उन्होंने इतना बड़ा यह लेखनी कार्य शुरू कर दिया है। भजन के माध्यम से प्रवचन के माध्यम से हम सभी को बहुत अच्छी कविताएं मेरी भावनाएं बताती हैं। आइए और आज हमारे बीच में सादरा गौरव चंडिका माता जी है, सुवासी स्मृति माता जी। आज ही के दिन उनकी दीक्षा हुई थी। आज 2 वर्ष हो गए पूरे। बालयोगी परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज जी ने रोहिणी पंचकल्याणक में 24 सेक्टर में जब प्रथम पंचकल्याणक उसका हुआ, मंदिर की नींव रखी जो आचार्य भगवान के हाथों से ही और उनके ही हाथों से ही पंचकल्याणक हुआ, उसी पंचकल्याणक के मध्य माता जी की दीक्षा हुई। तो आइए हम ऐसी सुवासी स्मृति माता जी से आशीर्वाद लेने के लिए, हे माता जी हम सभी को अपना आशीर्वचन दे आज के दिन पूज्य चंडिका श्री सुवासी स्मृति माता। ओम ह्रीम श्री चैतन्य पार्षनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। आचार्य सिद्धांत सागर महाराज की जय। आचार्य सौभाग्य सागर महाराज की जय। एक उज्जैन नगर में एक राजा राज करते थे। उनके 2 पुत्र थे, वे राज करते थे। एक दिन राजा ने कहा कि मंत्री को बुलाया, बोले कि यहाँ मेरे दोनों पुत्रों को राज बड़े हो गए, उनको राज देने की देना है। तो वो वहाँ पर उनको बुला लिया। तो उन्होंने कहा बेटा दो कमरे ऐसे भर दो जिसके अंदर सुई भी नहीं जा सके। उन्होंने दोनों बेटों को एक एक कमरा दे दिया। दोनों बेटे चले गए।
एक बेटे ने तो भ्रष्टा से पूरा कमरा भर दिया और एक बेटा उसी कमरे में लेट गया और दीपक रख के तो राजा ने मंत्री को बुलाया क्या तुमने बच्चों ने दोनों कमरे तैयार कर दिए। राजा मंत्री बोला राजा से कि महाराज एक एक ना तो भर दिया एक तो खाली लेट हो रहा कमरे में। तो राजा वहां पर पहुंचे, वहां जाकर उनसे पूछा राजा ने कि बेटा तुमने कमरा क्यों नहीं भरा। उन्होंने कहा पिताजी मैंने तो बहुत पहले ही तैयारी कर दी है। उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने राजा के जाते उसने दीपक जलाया, दीपक से इतनी रोशनी हो गई चार पूरा कमरा भर गया, खिड़की में से बाहर रोशनी जाने लगी। वहां से राजा ने फिर राज दरबार में चले गए, दोनों बेटे को राज दरबार में बुलाया, बोले क्या बेटा अब किसको राज देना। मंत्री को बुला के पूछा तो राजा ने कहा कि छोटे बेटे को राज देना, छोटे बेटे से तो बुलाकर कहा बेटा तुम्हें हमें राज देना। छोटा बेटा कहता उनका आत्मा का प्रकाश तो क्या क्यों नहीं मिलेगा राज की एक कमरे में ही, जब मैं यह कमरा प्रकाशित हो सकता है तो मेरा आत्मा भी प्रकाशित हो सकती है। अब जीवन की अनमोल से भरना है, जीवन को इसको अनमोल से भरना है, संयम त्याग तक से ही पूर्ण होगा इसकी। वो राज को ना स्वीकार करके वे जनेश्वर दीक्षा लेके वन में चले गए। दैती ज्ञान की धारा गुरुवर तेरे द्वारा, सोमवाग सगर महाराज तुम्हें मेरा गुरुवर गो, तुम तो मेरे गुरुवर गो। संसार तो है नश्वर, संसार में क्या रहना, जो साथ न मिल जाए क्या साथ उसी के रहना। एक दो ऐसी ज्योति हमको कर दो मेरा उद्धार, दैती ज्ञान की धार गुरुवर तेरे द्वार। ये दुनिया कब काम न आई, तेरे ज्ञान में है सच्चाई, इसलिए दौड़ा देखकर घर को छोड़ आया तेरे द्वार, गुरुवर आया तेरे द्वार। बहती ज्ञान की धार गुरुवर तेरे द्वार, गुरुवर में बोले बालियों की परम पूज्य आचार्य श्री महाराज की। आइए धर्म सिंह हम सभी पूज्य गुरुदेव पास की चल रहे, आइए नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं गुरुदेव। आज सूर्य ग्रहण भी है और योग दिवस भी है, तो आइए ऐसे दोनों दिवस पर हम अपने पूज्य गुरुदेव से नमस्कार करते हुए कल्याण की भावना करेंगे। गुरुदेव हम सभी को कल्याण करें अपने आशीर्वाद से। बाल योगी परम सौभाग्य सागर जी महाराज, केवल ये बाल योगी परम सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। जयकारा गुरुदेव का जय। गुरुदेव चलिएगा अपने समय को ज्यादा न जाया करते हुए सीधे सीधे चलते हैं। प्रदूषण था सभी लोग हाथों को जोड़ने, पहले परमात्मा का स्मरण उसके बाद धर्म का श्रवण। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। डमो वै हंताडम, डमो सिद्धाडम, डमो वै नियाडम, डमो वै छायाडम, डमो लोहि सभ्य साहुडम। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश भगवान की, देवादिचक्षी आदिनाथ भगवान की जय, चक्षी शांतिनाथ भगवान की जय, चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय, प्रभु महावीर भगवान की जय, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य श्री महावीर के जी महाराज की जय, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री समृद्धि सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य बुद्धि लेखन श्री आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की
सर्वप्रथम तो आज पूरे भारत में योग दिवस मनाया जा रहा है। मैं ज्यादा योग के बारे में तो नहीं जानता हूं, लेकिन मैं मन वचन और कार्य ये जो योग है इनके बारे में जरूर जानता हूं। आपका शारीरिक योग कैसा है यह नहीं मालूम, लेकिन आपका मन का योग, वचन का योग और काय का योग, जिसे त्रियोग कहते हैं, यदि ये सही है तो समझ के चलना कि जीवन में आपको और बड़ा आश्चर्य होता है जब सुनता हूं कि आज बादल डे है, आज मंगल डे है, आज योग डे है, आज ग्रहण है, आज तमाम। बच्चों, जीवन में ग्रहण एक दिन नहीं आता, जीवन में प्रत्येक दिन, प्रत्येक समय, प्रत्येक पल व्यक्ति के साथ में ग्रहण नजर आता है। लेकिन जो ग्रहण वैज्ञानिकों द्वारा, सरकार के द्वारा, ज्योतिषों के द्वारा बता दिया जाता है, उसमें तो आप अपनी सुरक्षा करने के प्रयास करने जाते हो और बाकी में आप सुरक्षा करने का प्रयास करते हो। अरे जब जिस प्रकार से ग्रहण होता है तो 3 घंटे आप खाना पीना बंद कर देते हो। हमारे जैनाचार्य, हमारे भगवान, हमारे साधु संतों ने कितनी बार कहा कि जब सूर्य ग्रहण हो जाए, अर्थात सूर्य छुप जाए, उसके बाद किसी को खाना नहीं चाहिए। आप विचार करिए, 3 घंटे का ग्रहण में आप खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, दुकान नहीं जाओगे, कुछ भी नहीं करोगे। और हमारे भगवान, हमारे स्वामी पार्श्वनाथ भगवान, हमारे साधु संत कितने समय से कहते आ रहे हैं कि ग्रहण के समय खाना नहीं चाहिए। अर्थात जब सूर्य को थोड़ी देर के लिए कोई ढक रहा है तो आपने उसको ग्रहण मान लिया, लेकिन सूर्य जब रात को अंदर घुस जाता है, अंदर चला जाता है, तो 12 घंटे का ग्रहण होता है प्रतिदिन। उस समय कैसे खा लेते हो, उस समय कैसे पी लेते हो और उस समय कैसे घूमने चले जाते हो। जिस तरह से आपको कहा कि ग्रहण में आप बाहर जाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे, ग्रहण में आप बाहर जाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे, उसी तरह यदि रात में आप बाहर घूमने जाते हो तो आपके शरीर की सुरक्षा का ध्यान कौन रखेगा। आप रात में खाओगे पियोगे तो आपकी शरीर की सुरक्षा का ध्यान कौन रखेगा। तो ये विचार जरूर करना है कि जब जब ग्रहण आता है तब तक हम लोग अपने जीवन को बदलने का प्रयास करते हैं, और जब जब ग्रहण चला जाता है तो अपने जीवन को वापस उसी रस्ते पर ले आते हैं। आज फादर डे भी चल रहा है, आज योग डे भी चल रहा है, बहुत सारे प्रसंग एक साथ। मैं सोचता हूँ क्या फादर डे, मदर डे, सिस्टर डे, ब्रदर डे, फ्रेंड डे, ये खाली साल में एक बार ही मनाने की चीज है? ये खाली एक बार आप पापा को सुबह गुलाब का फूल दे दो, आप पापा को सुबह के पेपर में कुछ पैक करके दे दो, तो ये क्या फादर डे है? ये नहीं है। आप अपने पिता के बताए गए आदतों पर चलो, आप अपने पिता की बताई गई बातों पर अमल करने का प्रयास करो, यही सभी पे फादर डे है, फादर डे है, फादर डे है। लेकिन ये संसार है, आपने देखा होगा कि हर चीज करने के लिए आपको एक दिन बना दिया गया, लेकिन मंदिर जाने के लिए, गुरु भक्ति करने के लिए कोई डेट नहीं बताया गया, कोई उसने नहीं बताया गया कि आप 24 घंटे 365 दिन आज व्यायाम उसी समय गुरु भक्ति और भक्ति प्रतिमानी स्वाध्याय कर सकते हो, उसमें आपको कोई स्पेशल डे की आवश्यकता नहीं। दुनिया में 7 बार होते हैं, महीने में 28, 29, 30, 31 दिन होते हैं और साल में 52 सप्ताह होते हैं। यू कहना चाहिए कि 24 घंटे 365 दिन प्रति व्यक्ति कुछ ना कुछ कार्य करने का प्रयास कर रहा है, कुछ ना कुछ जिंदगी को जीने का प्रयास कर रहा है, कुछ ना कुछ अपने जीवन में उठा पटक प्रति समय करने का प्रयास करता है। आज योग दिन, आदिनाथ भगवान के समय से हमारे प्रभु आदिनाथ भगवान ने उस समय बताया था कि हमारे मुनिगण योग करते हैं, तपस्या करते हैं और अन्य सारी कार्यों को संपन्न करते हैं,
मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, योगा करना बहुत अच्छी बात है, योग को करिए, योग को करने का प्रयास करिए, लेकिन जो व्यक्ति ध्यान धर्म के हिसाब से चलता है उसको तमाम योगों की बहुत पड़ती नहीं। आज क्या कर होना है कि मुनि महाराज आपको योग नहीं बता रहे, बड़े बड़े संत महात्मा पुरुष आपको योग नहीं बता रहे हैं, साधु संत महाराज आपको योग के महत्व को बताया कर रहे हैं, योगा करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं? वही इसलिए करा रहे हैं कि तुम अपने धर्म की संस्कृति से दूर होते गए तो तुम्हें योगा की आवश्यकता पड़ती, और जो व्यक्ति धर्म की संस्कृति से सही रहता है उसको कोई योग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका मन वचन काय योग एक साथ में स्थिर हो चुका है। आपको आज प्रातः काल से मोबाइल में, टीवी में, जूम चैनल के माध्यम से, नेट पे लिंक के माध्यम से तमाम योग बता रहे होंगे, कोई अनुलोम योग करा रहा है, कोई कपालभाति करा रहा है, कोई वृत्तासन करा रहा है, कोई कुछ कुछ करा रहा है, लेकिन आपको एक बात बताऊं कि जो व्यक्ति प्रातःकाल में हाथों में चावल लेकर, नंगे पैर जिन मंदिर की ओर जाता है उसको अनुलोम विलोम करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन उसके शरीर में आ जाती है और अशुद्ध उसकी जो हवा है वह शरीर से पास जाती है। जब नंगे पैर चलता है रास्ते में कंकड़ पत्थर पड़ते हैं तो उसका एक्यूप्रेशर अपने आप हो जाता है, एक्यूपंक्चर उसके शरीर का अपने आप हो जाता है, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। योग करके भी शरीर से पसीना निकलता है, मैंने पहले ही बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति का दिन में 5 मिनट शरीर से पसीना निकल जाता है, कोई जीवन में कभी बीमार होगा नहीं, हो नहीं सकता। योग करिए अच्छी बात है, लेकिन योग करने के साथ में काय का योग ना करें, मन वचन काय को भी करें। इसके वर्तमान में हमारी परिवार आज आपको पंचमेश नमोकार प्रयोग करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं कि हमारा सबका उद्देश्य यही है कि कैसे भी करके आप अपनी संस्कृति पर आए, अपने धर्म पर आए, अपने जीवन को तो जीवन में योग आएगा, संयोग आएगा, ग्रहण आएगा, ग्रहण दूर भी हो जाएगा, फादर डे, मदर डे, चिल्ड्रन डे, पता नहीं कौन कौन से डे आएंगे, सब कुछ आपके जीवन में आती रहेंगे, लेकिन इन डे की सार्थकता, इन दिनों की सार्थकता तो तभी है कि आज हमने यदि अपने मोबाइल के स्टेटस पर फादर की फोटो लगाई हुई है, यदि आज हम अपने पिताजी को शुभकामनाएं दे रहे हैं तो कल प्रातःकाल में जब उठो और पिताजी कहेंगे बेटा एक कप चाय ला देना, तो उस समय आपके मन में चाय लाने के भाव हो यह मत कहो कि अरे मैं भी तुम इस समय सुनाओ कैसे लाऊंगा, फादर डे बनाना आपका बेकार, मदर डे बनाना बेकार है, ये सब नाटक की लोग दुनिया के लोग करते हैं। मैं देखता हूँ कि आज जब किसी के यहाँ पर किसी की पुण्यतिथि आती है, वर्षी आती है, एक साल होने पर वह व्यक्ति उस फोटो के सामने माला पहनाएगा, लोगों को खाना खिलाएगा, तरह तरह के साधु को बनाएगा, अरे भाई आप ये बताओ कि जब कोई जिंदा था या जिंदा थी तब तुमने उसको कभी गुलाब का फूल देने का प्रयास किया क्या, उसके सामने गुलाब पर लोगों हजारों लोगों को सैकड़ों लोगों को खाना खिलाने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन क्या कभी तुमने उस समय जब वह भूली थी और उसने कहा कि मुझे दूध पीना है तो कभी दूध में केसर डालकर उसको देने का प्रयास किया? आप लोग सचेत हो जाए, अब इसे मान जाए कि घर में आपको पता है कि एक समय के बाद में हमें पुण्यतिथि मनाना पड़ेगी, तो उनकी पुण्यतिथि मनाओगे कोई पुण्य नहीं मिलेगा, लेकिन उनको जीते ही यदि कुछ खिलाओगे तो तुम्हें उनका आशीर्वाद मिलेगा और तुम्हें पुण्य जरूर मिलेगा। पुण्यतिथि मनाओगे तो दूसरे लोग देखेंगे, लेकिन उनको यदि कुछ खिलाओगे पिलाओगे तो सारा सुबह तुम्हें बहुत आशीर्वाद देगा और उनका पुण्य भी तुम्हें मिल जाएगा। जीवन को सही करना हम क्या करें, आज प्रातःकाल बात चल रही थी कि साथ सुख जीवन में हो तो समझ दो चंद्र आगे, जीवन में साथ सुख यदि मिल जाए तो समझ के चलना कि जीवन में चंद्र आ गया, जो भी आया हो, घर में आया हो, उनका व्यापारी हो, स्त्री जाने वाली हो, तरह तरह से उन्होंने साथ सुख का वर्णन कर दिया, लेकिन मैं एक बात पूछता हूँ यह सात सुख क्या वास्तव में आत्मा के सच्चे सुख हैं? ये सात्विक सात जो सुख हैं क्या ये आपको सच्चा सुख देने वाले हैं? ये सच्चा सुख देने वाले नहीं, ये तो मात्र सुख का आभास कराने वाले हैं। आपके जीवन में सच्चा सुख तो कब आएगा? जब आप सात बारों के चक्कर से गुजर जाओ। आज सोमवार को आपका अलग सुख है, मंगलवार को आपका अलग सुख है, बुधवार को आपका अलग सुख है, गुरुवार को आपका अलग सुख है, शुक्रवार को अलग सुख है, शनिवार को अलग सुख है और रविवार को अलग सुख है, लेकिन एक आत्मिक सुख होता है
साल हो गए, 365 दिन, 1 साल 12 महीने, पूरा 1 साल रहता है और वह आखिरी सुख सबके पास में है। अंतर इतना है, किसी ने प्रकट कर दिया है, कोई प्रकट करने की राह पर चल रहा है और कोई प्रकट करना चाहता नहीं। बिचारी बातें हैं कि हमने जिसको सुख मान रखा है, इस शरीर को निरोगी करते हैं, कहते हैं यदि हमारा शरीर रोग है तो सच्चा सुख जीवन में हो गया नहीं, क्योंकि शरीर तो अनंत बार मिला है और ना जाने कितनी बार मिलेगा, शरीर तो हमेशा चलता रहेगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा निरोगी है कि नहीं, हमारी आत्मा स्वस्थ है कि नहीं, हमारी आत्मा सच्ची है कि नहीं, इसको जानने का प्रयास करें। स्त्री पुत्र मित्र आदि सहयोग तो ना जाने जीवन में कितनी बार हमारे साथ में हुए और ना जाने कितनी बार आगे और भी होगी। आज आपने इस प्रोग्राम की स्त्री को आज्ञाकारी मान लिया, पुत्र को सही मान लिया, ये जीवन का कल्याण नहीं है। जीवन का कल्याण तो ये है कि अगले भाव में ये भाव ना भाव कि प्रभु मैं जिनके साथ में हूँ, एक तो पहले मुझे किसी लोगों से दूर करना और इनके साथ में रख भी दिया तो कम से कम ऐसा करना कि जैसा जीवन अभी रहा वैसा जीवन दोबारा जीवन में प्रयास करें कि संगति कैसी हो। संगति पर निर्भर करता है व्यक्ति के जीवन की सारी चीजें। आज हम लोग वाले की संगति में योग करना सीख जाते हो, मेडिटेशन वाले की संगति में हो मेडिटेशन करना सीख जाते हो, पुजारी की संगति में हो जाते हो और बाबरजी खाना पकाने वाले की संगति में हो खाना पकाना सीख जाते हो, जुआरी की संगति में होते हो जुआ खेलना सीख जाते हो, शराबी की संगति में होते हो शराब पीना सीख जाते हो, पढ़ने वाले की संगति में होते हो पढ़ाई करना सीख जाते हो। अंतर आपका नहीं, अंतर है मात्र संगति का। मात्र हो सकता है एक साथ एक फैक्ट्री में अनेकों अनेक हजारों तिथियां होंगी, उन हजारों तिथियों में से कुछ तिथियां होंगी एक डिग्री में जाती है और उस डिग्री के साथ में बहुत सारी डिग्री बड़े पैकेट में पैक होती है और दुकानदार के पास जब कोई माचिस लेने आता है कोई पूरा डिब्बा लेकर आते हैं और कोई एक माचिस की डिग्री लेकर आता है। विचार करिए कि एक माचिस की डिग्री एक व्यक्ति पुजारी ले जाता है और मंदिर में भगवान का दिया जाता है, एक माचिस की डिग्री शमशान घाट वाला ले जाता है वह मंदिर वाला मंदिर में दिए को जलाता है, शमशान घाट वाला इंसान को जला देता है और तीसरी डिग्री कोई महिला ले जाती है वह रसोई में बैठकर खाना बनाने का काम करती है। अंतर डिग्री को पैक करने वालों का नहीं है, अंतर फैक्ट्री में माचिस की डिग्री बनने का वाला नहीं है, अंतर है कि वह माचिस की डिग्री है इसकी संगति करे। अरे आपके पास में जो है उसको पर्याप्त समझें, आपके साथ में जो है उसको अच्छा जानने का प्रयास करें, जो आपके साथ में है उसको अच्छा मानने का प्रयास करें, उस समझ के चलना कि आपका जीवन निश्चित रूप से सफल और शानदार हो जाएगा। आज वर्तमान में हम लोग क्या कर रहे हैं, आज विचार करिए कि आप जब जिम जाते हो योग जाते हो रेकी कर रहे हो मेडिटेशन कर रही हूँ किसी की स्पीच को सुन रही हो, इन सबको सुनने का उद्देश्य आपका क्या है, इन सबको करने का उद्देश्य क्या है कि आपकी मन की थकान दूर हो जाए, आपका माइंड फ्रेश हो जाए, आपके मन का तनाव समाप्त हो जाए, आपके मन के संकल्प विकल्प समाप्त हो जाए। हायर मानव हायर मानव क्या जमाना आ गया कि ध्यान करने के लिए भी ध्यान सिखाने वाले के पास जाना पड़ रहा है, शरीर को हिलाने डुलाने के लिए भी किसी और के पास में जाना पड़ रहा है, वह भी तो कहीं सीख कर उन्हें सिखाने का प्रयास कर रहा है। अपने अंदर के छुपे हुए मानव को जमाओ, अपने अंदर के छुपे हुए शक्ति को प्रकट करने का प्रयास करो, अपने अंदर के छुपे इंसान को जगाने का प्रयास करो, जो इंसान आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, जो वस्तु आपको आगे बढ़ने में बाधक पहुंचा रही है उसको आप जगाने का प्रयास करो और जब वह एक बार जग जाएगा तो आप समझते करना कि संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे, तो संसार के सारे कार्य आसान हो जाएंगे एक बार अपनी अंतरात्मा को जगाकर।
मैं सर कहता हूं दुनिया में आपसे आपका सुख आपका दुख आपका अच्छा आपका बुरा आपके बारे में कई लोग तमाम तमाम तरीके से पूछने वाले मिल जाएंगे, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो आपसे पूछेंगे तुमने अगले भव की तैयारी क्या करी। इस भव को इस भव में कुछ समय के लिए सुखी करने वाले दुखी करने वाले बहुत मित्र पड़ोसी परिवार पति पत्नी बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन आपके भव द्वारा को सही करने वाले बहुत कम लोग होते हैं और भव द्वारा को सही करने वाले होते हैं हमारे मैं सही बात कहता हूँ कि जीवन में संगति बहुत से लोग करके देखिए कोई स्कूल में साथ था कोई कॉलेज में साथ था कोई ऑफिस में साथ था कोई व्यापार में साथ था कोई शादी के बाद साथ था कोई बुढ़ापे में साथ मिलेगा और अंत में मरने के बाद में सारे यही छूट जाएंगे जाएगा मिला उड़ जाएगा। कि जब आपको जाना पड़ेगा तो आपको सामने पहुंचाने वाले पहुंचा देंगे, लेकिन जब अंतिम संस्कार होगा उस समय मंत्र ही आपके काम आएगा कि मंत्र पूर्वक की आदमी को बुलाया जाएगा मंत्र पूर्वक ही उसकी अंतिम संस्कार की जाएगी। तो मंत्र हमेशा साथ में आएगा, यंत्र तंत्र और षड्यंत्र ये सबको यही छूट जाएंगे, लेकिन काम में आएगा कोई तो मंत्र और मंत्र ऐसी चीज है बैठोगे तो मैं समझता हूँ कि एक कॉपी जिसमें अनगिनत पेज होंगे वह पूरे के पूरे भर जाएंगे और आपकी गलतियां आपकी बुराइयां लिखी नहीं पाए। और यदि आप शुभ कार्य का लेखा जोखा लिखने बैठोगे लेखा जोखा लिखने बैठोगे लेखा जोखा लिखने का लिखकर भेजने का प्रयास करोगे तो आपकी 20 पेज की कहानी भी भर जाए तो बहुत बड़ी आश्चर्य की बात होगी, क्योंकि अपने जीवन में हमने इतने 20 पेज में यदि एक पेज में 20 लाइनें होती हैं तो 400 काम भी हो सकता है हमारे जीवन में अच्छी ना। जिनको आप अच्छा मानकर कर रहे हो जरूरी नहीं कोई अच्छा कार्य ही है, जिनको आप सच्चा मानकर कर रहे हो जरूरी नहीं जो सच्चा कार्य ही है, बल्कि सच्चा और अच्छा काम तो यह होता है कि जिसको करने के बाद में आप मन से नहीं अंदर की आत्मा से सुखी। गर्मी में बाहर मकान के बाहर दुकान के बाहर शरबत की दुकान लगाकर शरबत पिलाने से कोई परमात्मा नहीं बन जाता, बल्कि गर्मी के बाद में भी यदि कोई व्यक्ति प्यासा स्वर्ग पर मिल जाए तो अपने घोटों में से उसको पानी निकाल कर दे देते हो बांटना सही किया। लेकिन आज वर्तमान की स्थिति बड़ी निकट है, स्थिति निकट है, संकट निकट है, स्थिति निकट है और संकट निकट है, लेकिन हमारा मन तो भी तंदुरुस्त नहीं हो पा रहा। स्थिति कितनी बिगड़ हो जा रही है, संकट कितना निकट आता जा रहा है, लेकिन तो भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे भाई आप अपने जीवन में कुछ तो बदलाव लाओ, कुछ तो परिवर्तन लाओ। आज आप गूगल न्यूज को देख रहे हो, आज आप बहन को देख रहे हो, आज फादर डे को सुन रहे हो और दिन भर आप आज कुछ ना कुछ करते रहोगे, लेकिन क्या आपके जीवन में थोड़ा सा बदलाव आएगा। योग एक दिन मनाने की बात नहीं है, ये तो एक व्यवस्था के अंदर बना दिया गया कि जो डेट के हिसाब से योगा डे बता दिया उसके हिसाब से आपको और बता दिया गया, लेकिन आपको तो दिन के प्रति हमेशा योग करने का प्रयास करना चाहिए। योग निरोध हमारे ऋषियों ने तंत्रों में योग निरोध किया, उनका मन धन्य धन्यता से प्राप्त हो गया और उन्होंने ऐसा योग लगाया कि दुनिया आज उनके जीवन के आदर्श मानने लगी, उनको जीवन में अपना मानने लगी। हमें भी अपने जीवन में यही प्रयास करना कि योग दिवस पे योग करें अच्छी बात है, लेकिन जो मैंने आपको बताया योग आदि अपनी सारी चीजें उन्हें आप एक दिन मत करें उनको प्रति समय प्रतिबल करने का प्रयास करें। आजकल एक बड़ी समस्या है, एक व्यक्ति कल परसों आया केरल महाराज जी
ग्रहण के बारे में दो सी लोग अलग अलग बता रहे थे। एक ये व्यक्ति आया कि मकान के बारे में वास्तुकार अलग अलग बता रहे हैं। एक दिन व्यक्ति आया जो मुझे ऐसा ऐसा सिखा रहा है। एक बात मेरी याद रखो, सूत्र को ध्यान रखो, यदि अपने जीवन को खराब करना है तो जोशी के पास कुंडी लेकर नाम दिखाने को पहुंचो, और यदि अपने मकान को खराब करना है तो वास्तुकारों को मकान चालू कर दो। आपके यहाँ पर जहाँ पर 1 लाख रुपए खर्च होने वाले हैं, यदि खर्च हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। वर्तमान में कोरोना महामारी चल रही है, आज भारत देश में 33 लाख रोगी हैं, 33 लाख जो किसी थे, लेकिन आज तक एक भी ज्योतिष आपको यह नहीं बता पा रहा है कि जल से कब जाए। अरे ज्योतिष भी शास्त्र महत्व रखता है, वास्तु का भी हमारे जीवन में महत्व होता है, लेकिन आप विचार करिए, जिस व्यक्ति का खुद का वास्तु ठीक नहीं, जिस व्यक्ति की खुद की वस्तु ठीक नहीं है, जिस व्यक्ति का ज्योतिष खुद का ठीक नहीं है, वह दुनिया में क्या करेगा। आप समझ जाइए कि अपने जीवन को बेकार करना है तो कुंडली लेकर जहां तहां दूसरी तौर पहुंचो, और यदि आपके मकान को बेकार करना है तो तरह तरह के वास्तुकारों को बुलाओ और अपने मकान की मरम्मत चालू करा दो। हमारे कर्म, हमारे तीर्थंकर भगवान के जाप, हमारी गुरुओं के वचन, आप इनको सुनो, आपका सारा जीवन बदल जाएगा। क्या आप क्या पूछ रहे हो, मेरे बच्चे की शादी कब होगी, मेरी बच्चे की शादी कब होगी, तमाम यह होगा, तमाम कब होगा। आज ही मुझे बताइए, कुंडली मिलाने की बात में सब लोगों की शादी होती है, ऐसे कितने पति पत्नी है जिनका जीवन में कोई झगड़ा नहीं, 25 के 25, 36 के 36 गुण मिल रहे होंगे, लेकिन उसके बाद में 36 मिनट शांति से आदमी बैठता नहीं है। आपसे कितना विचार करेगा आज मेरी बात सुनकर, कि जब आपकी कुंडली मिलाई गई थी उस समय आपके जितने गुण मिले थे उतने यदि आप पति पत्नी साथ में बैठते हो तो उतने मिनट शांति से बैठ सकते हो क्या दोनों। तो समझ में करना कि आपका जो है जीवन में कुंडली का सार्थक हो गया। और भाई मैं तो एक बात और कहता हूँ, जिसने आपके जीवन की कुंडली मिलाई है उससे तो उसने ही उसकी जीवन की कुंडली किसने मिलाई है। जिसने आपके घर का वास्तु देखा हुआ है उससे तो पूछते कि तेरे घर का वास्तु सही है कि नहीं है। इतने बहुत बड़ा वास्तुकार 2017 में मेरा चौथा तो मुंबई चल रहा था दिल्ली आए, तो मैं अपनी बात सुनते लग गया, पूछ लग गया भाई कैसे बैठना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। उसने अपनी घड़ी देखी, बोले महाराज जी आज के क्षमा चाहता हूँ, फिर कभी आपसे नहीं आऊंगा। मैंने क्यों, बोले महाराज जी मेरे शरीर में थोड़ी तकलीफ हो गई है, मेरे पेट में दर्द हो गया, तो मैंने बेदरता हॉस्पिटल में गुड़गांव में टाइम ले रखा है, तो मुझे जाना है। मैंने कहा हे भगवान, जो वास्तुकार आपके सोने के तरीके से पेट सही करता है, जो वास्तुकार कहता है इस समय पैर मत करके सो तो आपका सीधा नहीं होगा, वो अपनी महाराज की बात दिल्ली में जा रहा है कि मैंने कुछ डॉक्टर से पार्टनर ले रखा है। अरे जीवन का वास्तु सही होगी, आपके घर का वास्तु सही होगी ना हो, लेकिन आपके जीवन की वस्तु सही होगी तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। आपके हाथों में रेखा सही है कि पता नहीं मालूम नहीं, लेकिन आपका जीवन सही रेखा पर चल रहा है तो आपका जीवन का कल्याण हो जाएगा। जो जीवन की रेखा को बदलने का प्रयास करो, हाथ की रेखा अपने आप बदल जाएगी। जीवन की रेखाओं को बदलने का प्रयास करो, हाथ की रेखा अपने आप बदल जाएंगी। घर के वास्तु को नहीं, अपने मन की वस्तु की स्थिति को ठीक करने का प्रयास करो, आपका जीवन ज्ञान भी हो जाएगा। हमें अपने जीवन में क्या करना है, क्या पाना है, ये समझना है और अपने जीवन को कल्याण करना है, यही मुझे भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। चलिएगा कल का नियम था 14 से 3 रात्रि भोजन का त्याग, आज का नियम है करेला नहीं खाना। और कल के दो प्रश्न थे कि डैशेस में खाते हैं फिर भी डैशेस है, तो बैंक में खाते हैं फिर भी लोग भूखे हैं, और मजबूरी आदमी को मजदूर बनाती है और मजबूरी आदमी को मालिक बनाती है। कल ये नहीं बोल पाई, अन्य चीजें नहीं बोल पाई, तो बहुत कम लोग आए हैं, लेकिन आए हैं उनमें से कुछ लोगों ने जो काम करने का प्रयास किया। पहला नाम निकला है मनीषा पाटनी पहाड़ दिल्ली से, आशीर्वाद लगातार सबों से लोग ले रहे थे, और इसी क्रम में अगला नाम निकला है श्योता जैन बेटा कैलाश, ये भी लगातार सातों से लोग रोटी ले रहे थे, दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद। चलते हैं जैन भगवान का अभिषेक, उसके बाद शादी जा रहा होगी, आप सभी लोग अभिषेक देखकर पुनर्गत करने का प्रयास करें।
जिनकी लंबियां कुर्बानी की। आप सभी लोग जिनके नाम मेरे पास में आए हैं उनके नाम यहाँ पर उच्चारण होंगे, बाकी लोग अपना नाम जरूर लें जिसमें कम से कम जो समस्या आ रही है तो समाधान हो सके। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की।
चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वैजयाणम नमो लोई सब साहूणम ओम नमासि तेभ्या ओम नमासि तेभ्या ओम नमासि तेभ्या श्री वीतरागाय नमः ओम नमो अरति भगवते श्रीमते श्री पारस चंद्राय द्वादश कुलाय सर्वज्ञाय स्वयंभुवाय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चित्त परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय तुंद्राय सत्य ज्ञानाय सुनो ऋषि हरि का श्रावक श्राविकम चतुर संगो सर्व वर्णस्थाय घाती कर्म नास्नाय घाती कर्म नास्नाय अवयस्माकम मृत्युम अतिकामम प्रतिकामम वलिकामम क्रोधम अग्निम सरस्तुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचूरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वचक्रभयम सर्वपर्णकम सर्वदुर्योगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वकूपरोगम सर्वनर्मारी सर्वविर्मारी सर्वश्यमारी सर्वगोमारी सर्वमहिष्मारी सर्वधान्यमारी सर्वक्षिमारी सर्वगलमारी सर्वत्रमारी सर्वक्षुमारी सर्वफलमारी सर्वराष्ट्रमारी सर्वदेशमारी सर्वेश्मारी सर्वेताल सात्री राक्षीमयम सर्वेदिनियम सर्वमोहिनियम सर्वकर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज चतुर्कम तेजो बल स्वर्वीर शांतिम सर्वानंद्रम सर्वभ्यानंद्रम सर्वानंद्रम 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 यस्तु कंत्रु लोकेशु व्याधि प्रसन्नम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्ति रस्तु विदति स्योमस्तु शांति रस्तु तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु स्वस्ति रस्तु कल्याणमस्तु ओम नमो अरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणास्ते दुसुदत बजे ओम तुना श्री शांति नाथाय शांति कराय सर्व पाप नाशनाय सर्व छत्र पत्र विनाशाय सर्व छामर दमन नाशनाय ओम राम महिम रूम रसिसम परम पूज्य गुरुवरे आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज नाम देशे श्रीमान संतोष सुरेखा कला रायपुर निवासी समस्त परिवार से श्रीमान रमेश गुरुमाला कला हैदराबाद निवासी समस्त परिवार से डॉक्टर सुभाष सुमंजन भोगल मनीष सुता उज्जवल अस्पताल कटक कला समस्त मुकलेश कनौजी कोरबा निवासी समस्त विजयन देवल जैन गुड़गांव मनोज कल्पना जैन रूनी सुधीर पूनम जैन मॉडल टाउन करीम अपनी जैन फरीदाबाद जितेन अर्चना हर्षवर्धन ऋषभ पाटनी औरंगाबाद मनीष सिंधु सहारनपुर अंकुर शिवालिका जैन ओटका सुखपाल जैन सुमन जैन सिविल लाइन्स कौशल जैन पम्मी जैन अजीत सारिका सेठी मनीष सिद्धू जैन प्रदीप सविता पाटनी अजीत नीता जैन सुधर उमित चंदानी प्रकाश मधुकला सविता प्रदीप पाटनी अतुल दीपाली जैन अतुल लीना पाली इंदौर अस्मिता जैन कनाडा सम्यक साय मांडवी राजू मीना साय मांडवी संजीव कल्पना आनंद पश्चिम विहार कमल मनीषा पाटनी पाड़ा जैन गौरव राखी पाटिल नरेंद्र सुमन टोलिया रायपुर अचल नीतू बर्दवान मंजुला जैन मैरोली जैन मुझे जैन साकेत राजीव उत्सा जैन गिरी पारस सुनील सीमा विकासपुरी अजय मिनी जैन राजा बजा पारस दोहाड़े नासिक प्रियंका जैन अमित अंसुल जैन मैना देवी गंगवाल कमल मिट्टू काला गुवाहाटी दीपक कीना टोलिया डीमापुर मोहिनी देवी कलकत्ता आदर्श नूतन जैन दीपक मीनू जैन पुष्प पुष्प नीतू जैन मनीष संजय प्रवीण राखी जैन राजीव सुमन जैन संजय रश्मि राहुल चावला इम्पाल अजित मोनिका इंद्रा देवी चावला गुवाहाटी इंद्रा देवी स्वीटी अनिका बगड़ा गुवाहाटी सुभाष सपना सेठी भीलवाड़ा सुनील शर्मिला प्रजातिया गुवाहाटी कौन मिट्टूकाला गुवाहाटी अजय सरिता जैन राधिका अभिनव जैन सरपंच विकास मोनिका जैन डाली जैन नवी सदर महेश विशाल जैन राजू साधना का अनुजी जैन दीपक मीनू जैन मनीष जैन समस्त परिवार से स्वप्न रचना कला हैदराबाद राजीव पारुल गोदा संजय हल्का जमीरा राकेश चीना बनाए अनिता सिंधे पाड़े रक्षा सौर पाड़े रितेश मनीष पाड़े नीता नितिन गंगवाल शिल्पा विक्रांत जैन वैशाली दिवाकर साहू जी मनोज नीतू साहिल डबरा समस्त परिवार श्रेय श्रीमान चंद्र प्रभो डोटिया परिवार मुंबई बोरेवली समस्त अभी से कतराम सर्वजस्य सर्व शांतिम सुरेंद्र सुपाल ऋतिक जैन समस्त अभी से कतराम सर्वजस्य शर्व शांतिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु गुरुघट स्वाहा संपूजितानां दिवालिकानां यदि इंद्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य परिश्राज्ञा करोतु शांतिम भगवान निद्रा करोतु शांतिम भगवान निद्रा करोतु शांतिम भगवान निद्रा बोलो शांतिनाथ भगवान की जय संसारी महा दुखदाय मोते हाथी आया हूं संसारी दुखों की नाशनी को शांति की धारा देता हूं ओम नमः भगवान की शांति हरे करो मैं जला दी अरगम निरपामदी स्वाहा
तुभ्यम नमः श्रीव्रातिहराय नाते तुभ्यम नमः शीतलामलभूषणाय उद्गंता परमेश्वराय तुभ्यम नमो जिन बबोधि शोषणाय इति वर्ण चूर्ण महामोक्ष प्राप्त अपलम पामति स्वाहा तुझे निर्मल नीरमि गंधे सुवच्छत पुष्प चरूले मणि हरि चार दीप धूप फल अर्घ्य सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर वली वली जाओ मन वच गाए ओ करुणा निधि बहुत तुम है जो यात्री में जो कृपा ओ मही श्री परम श्री आदिनाथ जी मैं उनके चरणों में लादि मार्ग में पामति स्वाहा जो श्री आदिनाथ भगवान की जय भगवान की जय जल शांतिनाथ भगवान की जय चिंतामणि पारसनाथ चिंता दूर करो मन चिंतित हो गए कार जो प्रभु चरण जुड़े ओ मणि कृष्ण से चिंतकारी चिंतामणि पारसनाथ जय मातु के चरणों में लादि महारी गुरु पामति स्वाहा जो चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय अरे सजो बरो पूजो रंजित भक्ति जो प्याते जगत सागर तरु सिर साथ करत सनात सुनत नाथ मुनि गुरु माले ओम मणि सरीगश्वर सिंह मणि सुदा जिंद्राय मात इनके चरणों में जलादि महारी अमर पामति स्वाहा ओम निस्तात भगवान की जय जल फल वसु सजी हिम ताल तन मने मोदे धरो गुनि गाओ भगत निपान सरमति नायक हो जय वरदि मान गुण धीर सन्नमति दायक हो ओम मणि सिंह महावीर जिंद्राय मात इनके चरणों में जलादि महारी अमर पामति स्वाहा जलो महावीर भगवान की जय जल फलादि के द्रव्यली करि अरि सुंदरि कर लिया संसारी रोग निवारी महागौर संसार दुख से बचू में ओम म्रीम अनादिनन मूल पंचोस्कार नमो कर्म जलादि महार्ग मेरे पामति स्वाहा महामंत्र की जय चरु अरु दीप धूप अति फल लाभे पूजा को दानत ज्योत मनानत सोनर नारत सुपावे आदि प्रभु की पूजा करके मनवांचित फल पाते हैं सभी मंगल भावना पाते हैं ओम स्वामी जी महाराज इनके चरणों में लादी पामति स्वाहा मंत्र स्वामी जी महाराज ओमी परम पूज्य सुब्रत आचार्य श्री सिद्ध सागरी महाराज सिंह के चरणों में जलादि पामती स्वच्छ संसार जी महाराज की जय मनि में शुभ भावों को लेकर अष्टद्रव्य को लाया आशीष आपका मिलता गुरु वर जब चरणों में आता मैं भी मुक्ति को पा जाऊं बस यही भावना माता हूं पानी रहे मेरे गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे जिंदगानी रहे ओ मेरे गुरु
आशीष आपका मिलता गुरुवर चरणों में आए। सिद्धांत सागर जी गुरु आपके बाल योगी कहलाते हो। जन जन को संस्कार देखते गुरु सभा के सागर जी हमारे। देखिए आज ग्रहण का समय जो बताया है 10:20 पर और 1:49 तक चलेगा। उस समय आप लोग कुछ भी भोजन ना बनाए ना भोजन करें। अब करें क्या तो प्रयास करें कि पद्म पुरुष भगवान का 40 पद्म पुरुष भगवान की जाप भक्तांबर स्टोर नवकर महोत्सव की जापादी करें और अपने जीवन कल्याण करें। यही मंगल होना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। आख्यान पापा जी प्रसन्न है। जय हो जय जी ने। आप सभी को जय जिनेन्द्र। हम लोग आज ठीक 9:30 आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी का प्रवचन जयराम चैनल पे आपको सुनने मिलेगा। इसके पश्चात 10:30 बच्चों को करियर काउंसिलिंग के लिए सेमिनार इसी जैनम चैनल पर आयोजित किया गया है। 10वीं और 12वीं क्या किया जाए इस विषय पर यह सेमिनार आयोजित किया गया है। साथ ही EWS एक स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा नया रूप दिया गया है, उस स्कीम के बारे में भी जानकारी इसी चैनल पर 9:30 से 11:30 के बीच में आपको मिलेगी। दोपहर में 1:30 मुनि श्री सहिष्णु सागर जी की श्रद्धांजलि सभा विनयांजलि सभा आयोजित की गई है और 3:00, 4:00, 4:30 जो रेगुलर प्रवचन चलते हैं उसकी वो चलेंगे और शाम को 7:30 से 8:30 आचार्य श्री देवनंदी जी का प्रवचन सवाल जवाब का दौर और आरती। यह है आज के कार्यक्रमों का ब्यौरा और हम अभी 9:30 ज्वाइन करेंगे फिर से। अभी हम लीव करते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। ये शेयर करूं देते ना पेज अच्छा करना थंबनेल लाना कितना थंबनेल लाना तो थंबनेल लाओ ले ठीक है दोनों जूम टाइप में हमें तो थंबनेल एक सेकंड लगा था खाली छोटे के ठीक है ना मीडियम कर मतलब कौन सा कहीं बात नहीं है अनाउंसमेंट डालो ना आपको सेंड किए आपको आज का जो प्रोग्राम है 10:30 उसकी जानकारी आपको चैट बॉक्स में भेजी है। आप चैट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं कि क्या प्रोग्राम है उसकी विशेषता क्या है उसमें क्या होने वाला है। सभी को जय जिनेन्द्र।